नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। ग्वालियर की पनिहार पुलिस ने डकैती की घटना का पर्दाफाश करते हुए रायपुर बांध के पास डकैती की घटना करने वाली गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ADGP ग्वालियर जोन द्वारा आरोपियों के खिलाफ 30,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से लूटा गया ट्रैक्टर, घटना में प्रयुक्त बाइक और हथियार भी बरामद किए गए हैं। जिजुरा थाने में एक बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने किया, तो इसमें जो मृतक था फाइनली इसमें पाया गया कि मृतक के भतीजे ने, जिसने पहले रिपोर्ट लिखा के दूसरे लोगों को मुलजिम बनाया था, 4 लोगों को, उनका ना होकर ये मामला जो है मृतक के भतीजे ने खुद ही मर्डर कराया था अपने चाचा का, और उसके लिए उसे बाहर से 3 लोग बुलाए थे। इसमें इसकी माँ और पत्नी का भी लगातार सक्रिय रोल था, और इनका मूल मकसद जो था वो ये था कि मृतक जो है वो अगर मर जाएगा तो उसकी सारी प्रॉपर्टी उसकी इन्हीं की हो जाएगी, और इसके अलावा वो जो इन पर आरोप लगाया था वो गुजर समाज के कुछ लोगों पे, तो वो उनकी प्रॉपर्टी को भी करना चाहते थे कि उनसे दबाव बना के उन पर भी कार्रवाई कराएंगे, उनका भी जो विवाद चल रहा था उसका भी बदला ले लेंगे। इसमें हमको 3 आरोपी पकड़ने में सफलता मिल गई है, जिनको ये पैसे दे के लेके आए थे इन्होंने, और उसके बाद में इन्होंने पूरा एक्सेप्ट किया है। वर्तमान में जो ये 3 ये जो आरोपी हैं परिवार वाले, ये भी फरार हैं, इनको भी शीघ्र पकड़ा जाएगा। तो इन पे जो शंका गई एक्चुअली में, ये जो टाइमिंग था इनका वो बड़ा विचित्र था। सामान्यतः ये जाते नहीं थे, इसमें माँ और पत्नी कभी जाते नहीं थे जहाँ पे घटना हुई, और माँ और पत्नी भी वहाँ पे गवाह बन रहे थे कि हम भी वहाँ पर थे और ऐसा हमने देखा कि ऐसा मारा गया वैसा मारा गया। जब आरोपियों को पकड़ा तो आरोपियों की भी लोकेशन ऐसी नहीं लग रही थी जिन्होंने पहले लिखवाए थे कि जो लगे कि ये घटनास्थल पर आए। इसमें बारीकी से इसकी अपनी स्टडी इन्होंने काफ़ी की, और इसमें जब पता लगा कि इसमें जो व्यक्ति मारने के लिए आए थे वो जिस तरह के हुलिया की बात आई थी उससे फिर आगे बढ़े हैं, और इसमें CDR और सारी चीज़ों को जो हमारी टेक्निकल सेल ने भी इससे मदद की, तो इनको फाइनली जब पता लगा कि ये व्यक्ति यहाँ पर आया था तो उसको पकड़ा गया है। तो उसने बताया कि हमको तो इन्होंने ही बुलाया था और इस तरह से पैसे दिए थे, और ये बताया था कि अपने को ऐसा मर्डर करना है, और मर्डर करने के बाद इस बात पे नाराज़ भी हुआ था ये भतीजा कि तुमने उसको ठीक से मारा नहीं, अभी तो घायल ही है, ये भी बात उसमें आई। तो ये बहुत ही मतलब षड्यंत्रपूर्वक बड़ी नशंसता से बड़ा अमानुषिक कृत्य है, जो उसका सगा चाचा जो है उसको उसने मरवाया, और इसमें उसकी माँ और उसकी पत्नी का भी रोल पाया गया है। इसमें 3 आरोपी जो बाहर से आए थे उनको पुलिस ने पकड़ लिया, जिन्होंने घटना को अंजाम दिया था, और ये बहुत अच्छी विवेचना की है, जिसमें पहले जो 2 आरोपी पकड़े थे जो गलत हैं उनका 169 करके उनको निकाला जा रहा है और इन पे कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि Instagram और Facebook को भी आप फॉलो कर सकते हैं।